हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो क्लास 12 फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स पढ़ना हम स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में हम देखे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके लिए उसके कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला निकाले थे, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी सी इक्वल टू। तो वो था पहला वाला केस। आज एक और टाइप का कैपेसिटर देखेंगे, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, और यहाँ पे भी इसके लिए कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम दिया है, बना सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर बनता कैसे है। कॉन्सेप्ट एक ही है, कोई भी कैपेसिटर हो, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा, सेम अमाउंट में चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही है। ये कैपेसिटर बनता कैसे है, दो कंसेंट्रिक सेल्स से बनता है। ओके, दो कंसेंट्रिक सेल्स मतलब दो होलोस्फीयर, कंडक्टिंग होलोस्फीयर कंडक्टर्स हैं। तो एक स्फीयर का रेडियस है स्मॉल ए, ये आउटर वाले स्फीयर का रेडियस है स्मॉल बी। क्लियर है? सपोज ये वाला प्लेट, सॉरी ये वाला कंडक्टर इनर वाला पॉजिटिवली चार्ज है प्लस क्यू, और हमें पता है कि कंडक्टर का जो चार्ज होता है एक्सेस चार्ज वो आउटर सरफेस में रिसाइड करता है, तो बाहर ही रहेगा प्लस क्यू। ओके, तो दूसरा वाला जो कंडक्टर है उसमें माइनस चार्ज होगा, माइनस क्यू। पर यहां पे एक चीज समझना है, ये माइनस चार्ज आउटसाइड सरफेस में रिसाइड नहीं करेगा, ये इनर सरफेस में रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो वो उस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगा। प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करके रखेगा, पर यहां पे तो होलो है तो यहां तो आ नहीं सकता, तो यहां पे वो चार्ज, यहां पे वो इनर सरफेस में रहेगा, रिसाइड करेगा आउटर सरफेस के, आउटर स्फीयर के। क्लियर है? अच्छा, इसका प्लस क्यू, इसका माइनस क्यू। अब इसके लिए कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो रूल एक ही है हमारा, जो हम लास्ट क्लास में किए थे, पहले दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही किए तो वहां पे, क्योंकि होता क्या है, कैपेसिटर का काम ही वही है, प्रिंसिपल ही वही है कि दोनों प्लेट के और दोनों कंडक्टर के बीच में उस लिमिटेड रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बना दे वो, उसके बाहर जो भी रीजियन होगा उसको छोड़ के बाकी रीजियन में नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी जो तीन रीजियंस हैं, पहले ये इनर वाला रीजियन सपोज, मतलब इनर वाले स्फीयर के अंदर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 नाम देते हैं। E1 वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। गॉस लॉ से हमें पता ही है कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, मतलब वहां पे फील्ड जीरो होता है, तो वहां पे फील्ड जीरो है। इसको सेकेंड रीजन मानते हैं, आउटर को E2, उस रीजन में भी जीरो होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें प्लस क्यू है, उसमें माइनस क्यू चार्ज है, तो किसी भी पॉइंट पे कंसिडर करो तो सेंटर से ही मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर्मूला भी हम पढ़े हैं गॉस लॉ से। तो इस इनर सरफेस के लिए, इनर स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, आउटर के लिए इस तरफ होगा, और सेंटर से ही डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। तो सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल, तो बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, ये भी जीरो। तो रहेगा कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड? इस इनर, मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में जो रीजियन है वहां पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। क्लियर है ये बात? तो E3 जो होगा वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे ही रहेगा, दोनों के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, तो उसके लिए हम गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ यूज करने के लिए हम कंसिडर करते हैं गॉसियन सरफेस। सो सी दिस, यहां पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया गया जो कि कंसेंट्रिक है इन दोनों के साथ, मतलब O उसका सेंटर और उसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, उसका रेडियस है स्मॉल r। तो उस स्फीयर के लिए अगर उसके किसी भी पॉइंट पे, सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कैसे मिलेगा? पहले गॉस लॉ यूज करते हैं। तो हमें phi E इक्वल टू कोई ऐसे मिलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4πr2। कहां से आया ये? अच्छा, पहली बात देख, इस रीजियन में किसके लिए रहेगा फील्ड, कौन से चार्ज के लिए, इस प्लस चार्ज के लिए या इस माइनस चार्ज के लिए?
इस प्लस चार्ज के लिए रहेगा, माइनस के लिए नहीं। ये तो होलो रीजियन है ना, तो इस आउटर स्पीयर के अंदर होलो रीजियन में इसके लिए तो कोई चार्ज है नहीं, आउटर स्पीयर के लिए, तो उसके लिए फील्ड जीरो है। फील्ड रहेगा तो बस इसके लिए, क्योंकि इसके आउटर पॉइंट पे है वो, इनर सरफेस के आउटर एक पॉइंट पे है वो पॉइंट, रेसियन सरफेस का पॉइंट, तो उसी के लिए फील्ड रहेगा। ओके, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ, दैट इज ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला, ये क्लियर है। तो उस रेसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे ई इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मालूम है हमें, ये तो मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए उसके किसी भी पॉइंट पे इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन दिस टू कंडक्टर्स, इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हम सीरीज, अगर हम करें पोटेंशियल डिफरेंस वी ए लिख रहा हूं मैं, मतलब अंदर वाले स्पीयर का पोटेंशियल माइनस वी बी, इसी को तो ही निकालना है ना, आउटर प्लस वाला है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले का पोटेंशियल कम है, तो हमें वी ए माइनस वी बी ही निकालना है। और ये होगा कितना, हमें ये फॉर्मूला मालूम है, माइनस ई डी आर, इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा, ये होगा ना, इसका इंटीग्रेशन होगा। और इसके लिए हम जो लिमिट यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, उसको यूज करेंगे फ्रॉम बी टू ए, हम ए टू बी क्यों नहीं करेंगे, ठीक से समझना। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं इनर सरफेस का पोटेंशियल माइनस आउटर सरफेस का पोटेंशियल, क्लियर है ये बात। मतलब लार्जर पोटेंशियल किसका है, इनर का है, और स्मॉलर आउटर का है। तो यहां पे इस फॉर्मूला में जो इंटीग्रेट भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर, ठीक है ना, तो लिमिट वैसे ही बनेगा, जो स्मॉलर पोटेंशियल वाला है उसके रेडियस को हम लोअर लिमिट में लेंगे, स्मॉलर पोटेंशियल वाले के रेडियस को लोअर लिमिट में, और हायर पोटेंशियल वाले के रेडियस को अपर लिमिट में। पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये लिमिट बन रहा है, क्लियर है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये लिमिट बना है। तो ये कितना होगा, ये माइनस सीरीज, अच्छा ये ई डी आर क्यों है, ई डॉट डी आर होता है, ई और आर डी आर जो रेडियस वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्लियर है ये। अच्छा तो ये बी टू ए हो गया, इसके लिए यूज कर दो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, ई की जगह पे इसको यूज कर दिए, क्लियर है। सो दिस इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना वी ए माइनस वी बी, इतना गया कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी आर बाय आर स्क्वायर फ्रॉम बी टू ए, क्लियर है, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट यूज करके। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए सीरीज, क्या मिलेगा हमें सीरीज, अगर हम माइनस वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, माइनस वन बाय आर स्क्वायर, वन बाय आर मिलेगा, ओके। सो वी ए माइनस वी बी विल बी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इंटीग्रेशन 1/r, माइनस 1/r² का इंटीग्रेशन, 1/r का डेरिवेटिव 1/r², तो माइनस 1/r² का इंटीग्रेशन 1/r, लिमिट यूज करेंगे b टू a, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट यूज कर दो 1/a माइनस 1/b, दैट इज इक्वल टू, ठीक से समझना क्यों हम यहाँ पे लिमिट वैसे लिए हैं, यहाँ पे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, अगर 1/b/1 -1/a आता तो माइनस में आता, पर हम तो हायर माइनस लोअर पोटेंशियल कर रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पर अगर हम लिमिट दूसरा वाला लेते, a टू b अगर ले लेते कि ये स्मॉलर रेडियस वो लार्जर रेडियस, तो यहाँ पे 1/b-1/a आ जाता, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाता, पर यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इसी के अकॉर्डिंग वो लिमिट आया है, ओके। क्योंकि हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल वाला सरफेस, तो लोअर पोटेंशियल वाले सरफेस के रेडियस को हम लोअर लिमिट यूज करेंगे यहाँ पे, क्लियर। अच्छा सो ये कितना आया सीरीज,
दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्यू बाय 4 pi epsilon naught, इसका एलसीएम गया ए बी, ऊपर बना बी माइनस ए, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होता है, क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो करते हैं ना हर कैपेसिटर में, यही तो कर रहे हैं कि दोनों प्लेट के बीच में फील्ड निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो और इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस निकाल दो। तो दिस विल बी, यहाँ पे क्यू देखो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रहा 4 pi epsilon naught ए बी बाय बी माइनस ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। 4 minus epsilon naught इंटू दोनों स्पीयर्स का रेडियस मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय आउटर स्पीयर का रेडियस माइनस इनर स्पीयर का रेडियस। सो दिस इज कैपेसिटेंस, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला मिला, क्या करेंगे अब, क्वेश्चन करते हैं इससे फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखेंगे जो फॉर्मूला अभी पढ़े हैं और भी एक फॉर्मूला जो पहले से पढ़ चुके हैं यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पे बोला है द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन द टू कोटिंग्स ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर बनता कैसे है, दो सेल से, तो इनर सेल आउटर सेल के बीच में जो थिकनेस है एयर जितने में रहता है उसका थिकनेस दिया है 2 centimeter, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बी माइनस ए इक्वल टू 2 centimeter, ऐसा ही होता है ना, ये आउटर वाले स्पीयर का रेडियस है बी, ठीक है, इनर वाले का ए, तो ये वाला थिकनेस, ये थिकनेस, तो बी माइनस ए करेंगे तो वो 2 centimeter दिया है। द कैपेसिटर हैज द सेम कैपेसिटेंस एज द स्पीयर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर। अगर एक स्पीयर होता जिसका डायमीटर 1.2 मीटर होता तो इसका जितना कैपेसिटेंस होता इसका उतना कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। अच्छा, इसका कितना कैपेसिटेंस है, 4 pi epsilon naught ए बी बाय बी माइनस ए, अभी निकाले हैं इतना ही होता है कैपेसिटेंस। इसका कितना कैपेसिटेंस है, 4 pi epsilon naught आर, कहाँ से आया, पढ़े हैं। अगर एक स्पीयर है तो उसका कैपेसिटेंस चार स्पीयर के कैपेसिटेंस ऐसे ही मिलता है, ऐसे होता है ना, 4 pi epsilon naught आर। तो ये दोनों इक्वल बोला है, तो इस वाले कैपेसिटर के लिए दोनों रेडियस निकालना है, ए और बी को निकालना है, ठीक है। तो करते हैं, इतना हमारे पास मिल गया हमें इक्वेशन, तो ए और बी को निकालते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशंस आएगा, सॉल्व करना आना चाहिए, ओके, ट्राई करो खुद से भी। सी दिस, 4 pi epsilon naught कट गया दोनों साइड से, ओके, दैट इम्प्लाइज, अच्छा दिस, ये ए बी हो गया बाय बी माइनस ए मतलब 2, ठीक है ना, बी माइनस ए मतलब 2। अच्छा एक काम करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 × 10⁻²⁪ meter, 2 की जगह पे, क्लियर, इक्वल टू आर, मतलब ये डायमीटर है तो ये हो गया 1/1.2/2 होगा रेडियस के लिए, डायमीटर है ना 1.2, तो रेडियस बाय 2 होगा। दैट इम्प्लाइज, सी दिस, ए बी इक्वल टू कितना होगा, ये नीचे दो तो 2 कट गया, 10⁻², यहाँ पे गया तो ये बन गया 1.2 × 10⁻², ओके, इतना कितना मीटर स्क्वायर हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, इतना मिल गया ए बी हमें। बी माइनस ए पता है, ए बी पता है, ठीक है, बी माइनस ए पता है, ए बी पता है, तो निकाल सकते हैं बी प्लस ए निकाल सकते हैं, हमें बी और ए तो चाहिए ना, हमें मालूम है कि अगर बी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4ab मिलता है, पता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्लस ए, इसको तो निकालना है हमें, माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर, बी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, तो उसको लिखते हैं 2 × 10⁻², उसका स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है ना, इसको तो मीटर कन्वर्ट कर दिए हैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4 × ab,
ये वाला 1.2, फिर से करना 4 इंटू 1.2 इंटू 10 to the power -2, ठीक है, इतना हो गया इसका व्हाट, इट इज योर इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, निकालेंगे इसको, तो b प्लस ए का होल स्क्वायर कितना होगा, ये लिख रहा है कितना हो रहा है, दिस इज योर 4.8 इंटू 10 to the power -2, ये वाला वहां पे गया, इसको सेंटीमीटर में रखने से भी होता शायद, ऐसे ही करो चलेगा, प्लस ये हो गया 4 इंटू 10 to the power -4, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से कॉमन गया सीरीज 10 to the power -2, अगर कॉमन लेंगे तो बाकी रहा 4.8 प्लस 4 इंटू 10 to the power -2, मतलब 0.04, ठीक है, 4 इंटू 10 to the power -2, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया 4.84 इंटू 10 to the power -2, कितना आएगा, तो ये आएगा, 484 22 का स्क्वायर होता है, तो ये 2.2 होगा ये, ओके, इंटू 10 to the power -1, ओके, ये बी प्लस ए आ गया, बी माइनस ए है इतना, बी प्लस ए आया इतना, दिस इज सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, इतना मीटर है ना, इतना मीटर है ये, अगर सेंटीमीटर करेंगे तो ये 2.2 by 10, तो 22 by 100, 22 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है, तो बी प्लस ए आया 22 सेंटीमीटर, बी माइनस ए है 2 सेंटीमीटर, इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे बी और ए, ओके, बी माइनस ए 2 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा सीरीज, दैट विल बी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2b = 24, b = 12 सेंटीमीटर होगा स्मॉल रेडियस, और a = होगा 22 - 12, दैट इज 10 सेंटीमीटर, सॉरी, ये बिगर रेडियस b, स्मॉलर रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, ओके, सो दिस इज द पॉइंट, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, स्फेरिकल कैपेसिटर वाला और स्पीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी यूज हुआ, ओके, तो ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर की बात, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, द थर्ड वन, ओके।